वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल के लिए या रेलवे के लिए, अलजेब्रा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है अलजेब्रा का लास्ट पार्ट। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 टू पार्ट 17 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। अलजेब्रा का ये लास्ट पार्ट में हम कुछ मैक्सिमा मिनिमा के वैल्यू के डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अगेन बता दूं, 70 डेज का कोर्स जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसमें क्या है, आपको ऑल अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ की वीडियो लेक्चर्स मिलेगी, जिसमें 400 प्लस वीडियो लेक्चर होंगे। हर एक टॉपिक कवर किए गए हैं। इच टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिलेगी, ताकि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको, और डाउट ग्रुप की फैसिलिटी, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन फंसता है आप पूछ भी सकते हो। इसकी किस कॉस्ट ओनली फॉर है 200 रुपये। आप पे करके पूरी की पूरी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स, कैसे ज्वाइन करोगे, तो उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, 1 मिनट कॉल आ रहा है मेरे फ्रेंड्स का, तो 1 मिनट मैं आपको थोड़ा सा, 1 मिनट। अगर आप चाहते हैं ये कोर्स ज्वाइन करना, तो 200 रुपये पे आप कैसे कर सकते हैं, पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है, इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको करना क्या होगा, उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट को आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद क्या है कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। उस लिंक में क्या होगा, 400 प्लस वीडियो लेक्चर्स होंगे, हर एक टॉपिक्स की मिलेंगी, अर्थमेटिक और एडवांस मैथ आपको। सेकेंड, आपको हर एक टॉपिक्स की पीडीएफ मिलेगी। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप की फैसिलिटी मिलेगी, आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये है क्वेश्चन नंबर 129। ऑलरेडी 1 से लेकर के 128 क्वेश्चन तक मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन करा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था इससे पहले, अगर जो पार्ट 17 देखे होंगे वो जानते हैं, ये लास्ट पार्ट है अलजेब्रा का, इसके बाद आपका अलजेब्रा फिनिश हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, देखो दिया क्या है आपसे, ये एक्स स्क्वायर दिया है, दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था एम जी एम की प्रॉपर्टी के बेस पे, इसको प्रूफ कराया था कि अगर कहीं भी ऐसे दिया रहे 1 + 1/m = दिया रहे और इसका बोले कि मिनिमम वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाने के लिए क्या करेंगे, एक अपने से हमने प्लस 1 ऐड किया, ये हो गया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो, हमने प्लस 1 अपने से ऐड किया ना, तो माइनस वन घटाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 4 तो ये है, अगर यहाँ पे माइनस 1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बात एक ही हो जाएगा। अब देखो, इसको ये और ये दोनों सेम है, मैं इसको m सपोज कर लेता हूँ, m और ये m, तो क्या हो गया, m प्लस 1 बाई m हो गया, और माइनस इधर कितना हो गया, 5। अब जैसे ही m प्लस 1 बाई m, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 माइनस 5 यानी कि क्या होगी, -3, यानी जो हमारा क्वेश्चन था उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि जब भी फॉर्मेट बने m प्लस 1 बाई m, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 माइनस और इधर क्या था, -5, डैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, -3, और -3 इज द राइट आंसर, यानी मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम वैल्यू इसकी क्या होगी, -3। आपको ये करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ध्यान से, अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ इतना, वेयर एक्स ग्रेटर देन √2। ये कंडीशन दिया कि √2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एक्स। अब देखिए, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 दिया हुआ है। मैं वही चीज़ है, मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बना दूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू हम अपने से ऐड किए, प्लस 1 बाई इसको ऐसे ही रहने दूँ, तो मैंने अपने से माइनस 2 ऐड किया, तो प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 5 और प्लस 2, अगर माइनस 2 है यहाँ पे प्लस 2 जोड़ूंगा तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0, यानी वही रह जाएगा। अब देखो, वही चीज़ आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर m प्लस 1 बाई m इस फॉर्मेट में हो और इसका पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू, तो मैंने बताया हूँ रिजल्ट आपको, 2 am ग्रेटर देन gm अप्लाई करके प्रूव करवाया था। तो देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अगर मैं लेट सपोज करूँ ये m है और ये क्या है m, तो m प्लस 1 बाई m बन गया, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस इधर क्या है, 5 + 2, डैट मीन्स कितना हो गया, 7 और 2, ये प्लस 2 है ना, 7 + 2 कितना हो गया, 9, यानी इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना वेयर एक्स इज द रियल नंबर, इतना का महत्तम मान ज्ञात करो। देखो आपसे पूछा गया एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स एस पे पावर ये 1। अब देखो मैं क्या करूँगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर रहा हूँ एक्स पे पावर 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बन गया एक्स पे पावर 4 डिवाइड करूंगा प्लस इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स पे पावर 4। और आपको मैंने कंडीशन क्या बताया था, रिजल्ट्स क्या बताया था, देखो ध्यान से रिजल्ट क्या बताया था कि m प्लस 1 बाई एम हो या m पे पावर n प्लस 1 बाई m पे पावर n हो, अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू 2। अब देखो ध्यान से आपको चाहिए ये पूरा का पूरा, देखो मैं अब क्या बोलना जा रहा हूँ वहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको ये चाहिए इसके पूरे का क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मैक्सिमम महत्तम वैल्यू चाहिए। तो बताओ अगर मैं बोला हूँ देखो ध्यान से महत्तम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर को हम जितना छोटा छोटा रख सकते हैं डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू रख लें, अगर मैं इसको मिनिमम रखूंगा तो उतना ही ये पूरा का पूरा टर्म मैक्सिमम होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 डिवाइडेड इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो ऊपर जाके ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, डेट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/2, और ये 1/2 क्या होगा इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम होगा ही होगा ऑलरेडी है। जैसे देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ 1/5 है और 1/ अगर डिनोमिनेटर को मैं देखो 1/5 कितना होगा 0.2, अगर मैं 1/ डिनोमिनेटर को कम कर रहा हूँ तो कितनी वैल्यू आ गई 0.33 यानी मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी कि अगर ये पूरा का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें डिनोमिनेटर की क्या हर का मिनिमम वैल्यू देना पड़ेगा और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपको कुछ नहीं देखना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ क्या दिया क्या होता है। जैसे कभी भी अगर x प्लस वाई आपसे गिवन दिया हो गया हो, गिवन यानी कि दिया गया हो, और आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, एक्स वाई का क्या बताओ मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ये पूछा ही जाएगा, तब उस केस में क्या कर लेना एक्स इक्वल टू वाई रख लेना, उस केस में कंडीशन क्या है एक्स इक्वल टू वाई रख लेना। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 132 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई दिया हुआ 20। ऐसे क्वेश्चन में इस बार पूछेगा ही मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा, मिनिमम वैल्यू कहेगा तो जीरो हो जाएगा आंसर यार, 0 0 × 0, लेकिन मिनिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही नहीं क्योंकि कभी कंडीशन ही नहीं बन पाएगा कि मिनिमम वैल्यू पे। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा याद रख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा, एग्जामिनर दिया रहेगा कि एक्स प्लस वाई गिवन दिया रहेगा, एक्स वाई का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या कर देना एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर देना, यानी कि देखो अब ये बताओ x इज इक्वल टू वाई पुट करूँ, यानी कि x और y को इक्वल इक्वल पुट कर सकता हूँ, तो क्या पुट करना पड़ेगा 10+10 ही पुट कर सकता हूँ, एक ही पुट कर सकता हूँ, यानी x की वैल्यू भी 10 पुट कर सकता हूँ, y की वैल्यू 10 पुट कर सकता हूँ। तो आपसे पूछा गया क्या x इंटू वाई, तो एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 10 × 10, डैट मीन्स कितना हो गया 100। हमेशा याद रखना x इज इक्वल टू वाई दोनों को इक्वल पुट करना पड़ेगा, और किसके बराबर 20 के बराबर, तो 10+10 ही 20 हो सकता है, यानी एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, देखो मैंने बोला था कि एक्स प्लस वाई अगर गिवेन हो दिया गया हो और एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप क्या करोगे एक्स इज इक्वल टू वाई रख दोगे। तो देखो ध्यान से एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात करो, जब एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना दिया हो 25 दिया हो, तो ये कब दोनों बराबर बराबर कर्व हो सकते हैं, 25 को 2 से भाग कर लो 12.5 हो जाएगा, 12.5 और 12.5 होगा तभी तो हो सकता है। तो x ये x की वैल्यू होगी, ये क्या होगी y की वैल्यू, क्योंकि 25 का आधा कितना होता है 12.5 यानी दोनों आधा आधा होंगे। तो अब x की वैल्यू, अब हमसे पूछा गया है एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू, तो 12.5 × 12.5 125 × 125 का मल्टीप्लाई पता होना चाहिए, और 125 × 125 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो दो तरीका है करने का, देखो ये 125 का मतलब क्या हो गया, चलो अगर चलो फिर से मैं बता देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 25/2, यही तो होता है 25/2 12.5, इसको भी लिख सकता हूँ 25/2, 25 कितना होता है 625/ क्या हो गया 4, भाग दे दूँ सिंपल है, अगर मैं बोलूँ तो यही क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा, नहीं तो यहाँ से ऐसे भी दूसरा मेथड से भी कर सकते थे। मेथड 2 क्या है देखो ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है,
तो अब बताओ एक्स और वाई को क्या पुट करना पड़ेगा, इक्वल, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इक्वल कब हो सकता है, जब 25/2 और 25/2 हो, एक्स की वैल्यू इतना इतना, तो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 25/2, एक्स की वैल्यू ये है और वाई की वैल्यू भी क्या है ये, यानी कितना होगा 625/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए उल्टा, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो पढ़ा था उसके पहले बारे में देखो, दो कंडीशन होते हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों नोट करके आप लिख लीजिएगा। अगर x प्लस वाई गिवेन हो, दिया गया हो, गिवेन यानी कि दिया गया हो, और आपसे पूछेगा एक्स वाई, एक्स वाई का पूछेगा हमेशा क्या, मैक्सिमम वैल्यू, तो उस केस में क्या करते हो, x इज इक्वल टू वाई पुट कर देते हो, पुट x इज इक्वल टू वाई। लेकिन अब और क्या, ये क्या एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, लेकिन अगर उल्टा दिया रहे, एक्स वाई गिवेन हो, एक्स वाई क्या हो, गिवेन हो, एक्स वाई गिवेन हो, और पूछा जाएगा क्या एक्स प्लस वाई का, इसके उल्टा वाला, एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू पूछेगा एग्जाम में, तो उस केस में भी क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर दोगे। उस केस में क्या करोगे, एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करोगे और क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, और ये क्या दे रहा था, मैक्सिमम वैल्यू। बस ये कंडीशन है, जैसे देखो इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो ध्यान से, एक्स वाई इज गिवेन, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, वेयर गिवेन क्या है, एक्स वाई गिवेन है ना 16, तो मिनिमम वैल्यू पूछा किसका जा रहा है, एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं, जब मैं आगे मेंस का क्वेश्चन होगा देखो थोड़ा सा डिफरेंशिएट होगा, तो एक्स वाई की वैल्यू इक्वल, एक्स इज इक्वल टू इक्वल वो करेंगे वाई, तो क्या हो सकता है, 4 × 4 यानी एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, वाई की वैल्यू 4, यानी 4 + 4 कितना हो गया, 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वही चीज दिया गया, एक्स प्लस, देखो एक्स वाई जेड गिवेन दिया हुआ है 216, ये 3 के साथ भी अप्लाई होगा, 4 के साथ भी अप्लाई होगा। आपसे पूछा क्या गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू, तो मैंने क्या बोला था, वैल्यू एक्स, अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों का पुट करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि या तो 216 को 3 से डिवाइड कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा कितना होगा, 3 × 18, देखो 3 × 18, चलो 3 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा, मैं इस तरह से कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, 3 × 18 कितना बचा, 3 × 21 और 3 = 72 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करने से बेटर है, देखो क्या करना है, क्योंकि इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं बनता, 3 नंबर था, देखो इस तरह से क्या वैल्यू रखें एक्स और वाई जेड, लेकिन आपको पता है ना 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब, ये मैं सोचने के लिए बता रहा था, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी तरह से सोचना है, क्या वैल्यू रखें, 6 6 रखें 6 तो मल्टीप्लाई करके ये होगा, तो x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 6 + 6 + 6, अगर जैसे ही 6 + 6 रखूंगा तो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू 6 6 12 6 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 18। ये सम अगर रहता ना, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 216, तो आप अगर सम पूछा होता, इसका मतलब इसको अलग अलग ब्रेक करना होता, तो आप क्या करते, 72 + 72 + 72 इस तरह से पुट कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, ये इसके लिए मैं आपको समझा रहा था, वो पहले क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया क्या गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18, और मैक्सिमम वैल्यू पूछा किसका गया है, ध्यान से, तो एक्स माइनस वन, एक्स वाई माइनस टू, जेड माइनस थ्री। तो कभी भी याद रख लेना, ये मत कर देना कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यहाँ पे ऐसे पुट कर देना 6 + 6 + 6 मत पुट कर देना, और यहाँ पे पुट कर देना कि वैल्यू निकाल देना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो चीज़ रॉन्ग डायरेक्शन है पहले मैं वो बता देता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18 दिया, हमसे पूछा क्या गया है, x माइनस वन, वाई माइनस टू और जेड माइनस थ्री की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो जो लोग रॉन्ग डायरेक्शन, क्या है रॉन्ग, गलत आंसर आ जाएगा अगर इस तरह से बनाओगे, तो मैं आपको पहले रॉन्ग डायरेक्शन बता रहा हूँ। कभी भी ये मत करना इस टाइप में कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, अलग अलग तीनों को इक्वल कर देना इस तरह से, तो x की वैल्यू ये और ये 18, तो x की जगह पे ये रखना 6 − 1 = 5 × y 6 − 2 = 4 6 − 3 = 3 और मल्टीप्लाई करके 5 × 20 = 60 मैक्सिमम वैल्यू, ये सारे लोग कर देते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। हमें करना क्या है वो भी चीज़ बताता हूँ, ये रॉन्ग तरीका है,
और रॉन्ग तरीका से कभी आंसर भी नहीं पहुंच पाओगे। देखो आपको करना करना यही है, लेकिन देखो हमसे दिया क्या गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 18 दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है x माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस थ्री की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमें इस फॉर्मेट में बनाना है तीनों को, इस फॉर्मेट में। देखो x माइनस वन अपने से किया माइनस वन, इसको क्या किया देखो प्लस वाई माइनस टू अपने आप इस टाइप्स में बनाया, प्लस जेड माइनस थ्री हमने बनाया। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से देखना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, हम माइनस सिक्स अपने आप हमने इधर किया तो इधर भी माइनस सिक्स करना पड़ेगा। यानी रियल में क्या आ जाएगा, ये माइनस सिक्स करने पे क्या हो जाएगा, बारह हो जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलो मैं लिख रहा हूँ क्या, बारह। अब 12 को देखो आपके पास क्या आ गया, x माइनस वन प्लस वाई माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या आ गया 12। जब तक इस फॉर्मेट में नहीं बनाओगे तब तक इक्वलिटी मत पुट कर देना। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि ये इक्वल आ जाए, तो ये क्या 4 प्लस 4 प्लस 4 में ब्रेक कर सकता हूँ इक्वल, तो यानी कि इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 4, तो 4 × 4 × 4 64 इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर होगा। यानी कि सबसे पहले मैं इसको बनाना है, उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू देना है, ना कि यहाँ पे रख के और उसके बाद ये करना, ये रॉन्ग तरीका होता है। और आप क्वेश्चन में कहते हो मेरा तो सही, अरे अप्रोच तो कहीं सही किए लेकिन गलत आंसर आ जाता है, आपको ये करना है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन आपको मेन्स में पूछे गए हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 24। आपसे पूछा क्या गया है, x माइनस वन वाई माइनस टू और जेड प्लस थ्री का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में बनाएंगे। तो देखो मैंने x माइनस वन किया प्लस वाई माइनस टू किया प्लस जेड माइनस थ्री। अब मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ। देखो हमने यहाँ पे माइनस वन जोड़ा, यहाँ पे माइनस टू माइनस थ्री, तीन दो पाँच एक छः, छः जोड़ दिया, माइनस छः जोड़ा तो इधर भी माइनस छः जोड़ना पड़ेगा। यानी हमारा आया क्या, x माइनस वन प्लस वाई माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री आया कितना 18। अब इसको तीन इक्वल में ब्रेक करेंगे 18 को, तो क्या होगा 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 6, यानी यहाँ पे रखूँगा 6 × 6 × 6, यानी कितना होगा 216। ये राइट अप्रोच है करने का क्वेश्चन का। इस तरह से आपका अलजेब्रा पूरी तरह से फाइनल हो जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो एसएससी प्री में भी पूछे हुए हैं और मेंस में भी पूछे हुए हैं। और जो लोग भी 70 डेज कोर्स में ज्वाइन है, आप पूरी प्रीवियस ईयर बनाइए प्री और मेंस के क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन फंसता है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।